एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह मेरा जन्नत का साथी कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जो फला आदमी गोश्त बेचने वाला, उसको हम कसाब कहते हैं, कसाई। ये कोई इतना बड़ा मुअज्जज़ पेशा नहीं होता। तो मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए कि मेरा साथी गोश्त बेचने वाला, तो उसको देखने चले गए। देखा तो एक आम आदमी जैसे गोश्त बेच रहा है, ऐसे ही सारे बाजार में बैठा हुआ, दूसरे भी बैठे हुए। जब शाम हुई, उसने थैले में गोश्त का टुकड़ा डाला और घर गया, तो मूसा अलैहिस्सलाम भी साथ गए। तो उसने जाकर गोश्त को काट के हांडी में चढ़ाया, आटा गूंदने लगा, आटे को रख दिया, फिर सालन तैयार किया, फिर रोटी तैयार की। एक औरत बूढ़ी यूं करके चारपाई पे लेटी हुई थी, उसको हिलाया जुलाया, माँ जी माँ जी, उठ के बैठ गई। तो उसको हाथ का सहारा दे के खाना खिलाया, अपने हाथों से खिलाया, खिलाता रहा खिलाता रहा। जब उसने कहा बस, तो उसने उसका मुंह साफ किया, कुली कराई। जब वो लेटने लगी तो कुछ बोली, तो मूसा अलैहिस्सलाम दूर खड़े थे, समझे नहीं कि ये क्या बोल रही। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये क्या कह रही थी? वो कहने लगा, हुजूर क्या बताऊं क्या कह रही थी, जब भी इसकी खिदमत करता हूं तो ये मुझे दुआ देती है कि अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथी बनाए। तो मैं तो गरीब कसाई हूं, मूसा तो बहुत बड़ा नबी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी माँ ने तेरा काम कर दिया है।